विंध्य के सबसे बड़े कहे जाने वाले संजय गांधी अस्पताल में मरीजों के परिजन इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कहने को यहां पर तो कई वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि इनमें से पानी नहीं निकलता। वाटर कूलर के न चलने से मरीजों के परिजन बाहर से पीने का पानी लाने के लिए मजबूर है। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में हर ओर अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजर आती है। अच्छे उपचार सुविधाओं की उम्मीद में पूरे संभाग भर के लोग अपने परिजनों का उपचार कराने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, किंतु अस्पताल परिसर में कदम रखते ही उन्हें हर पल समस्याओं से ही जूझना पड़ता है। उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन लाख सुविधाओं के बावजूद इस तरह की समस्याओं को दूर करने में असमर्थ होता हुआ नजर आता है। अस्पताल में लगे वाटर कूलर नहीं चलने से गर्मी में इस मौसम में वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को किस कदर पानी के लिए परेशान होना पड़ता है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। संजय गांधी अस्पताल में समय समय पर समाज सेवियों के द्वारा वाटर कूलर सहित अन्य सामान दान में दिया जाता है। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी मरीजों के लिए सुविधाओं की सामानों की खरीदारी की जाती है, ताकि अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। किंतु दान में मिले सामानों एवं अन्य उपकरण रखरखाव के अभाव में शीघ्र ही कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं। कहने को तो अस्पताल परिसर में कई वाटर कूलर लगे हैं, लेकिन इसका फायदा मरीजों के साथ ही उनके परिजनों को भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर वाटर कूलर खराब है और अगर कोई चल भी रहा है तो उसमें से पानी नहीं निकलता। मरीजों के परिजनों को कई बार पानी के लिए चौथी मंजिल से नीचे आना पड़ता है, बाहर से पीने का पानी लाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मरीजों के परिजनों को ठंडा पानी तो दूर, यहाँ पर नॉर्मल पानी भी नसीब नहीं हो रहा। हालांकि इस बारे में जब अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो उनका कहना है कि अस्पताल में लगे ज़्यादातर वाटर कूलर सही है, जो खराब है उन्हें जल्द ही सुधरवा दिया जाएगा। 10 वाटर कूलर और जल्द लगवा दिए जाएंगे, पानी की जो भी समस्या है उसे जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। क्षेत्र से आए हैं, समस्या पानी की नहीं है, या तो पानी दो चार जन से पूछे भी पानी है किधर है पीने का, तो बोले बाहर जाओ लेने के लिए, तो बाहर जा रहे हैं, क्या करेंगे। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पानी नहीं मिलता, यहाँ तो नहीं है अभी देखें तो। कूलर वाटर कूलर जो लगा है वो भी बंद है। वाटर कूलर, हाँ वाटर कूलर बंद है। हमारा नाम पन्ना लाल साहू। वार्डो में पानी की काफ़ी समस्या है, लोग बाहर पानी लेने जा रहे हैं, वाटर कूलर जो भी बंद करेंगे। खैर अभी जो आपने बताया है मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से। हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में इस टाइम पे भी 19 वाटर कूलर हैं जो प्रॉपर वर्किंग है। अब हो सकता है गर्मी एकदम से शुरुआत हुई है, मरीजों को कुछ दिक्कत आ रही, कुछ लोगों को यहाँ का पानी जो भी लग रहा हो जिसके लिए वजह से जा रहे हों बाहर, ये है। और जो कूलर ख़राब है वो भी एक आध दिन में ठीक हो जाएंगे। अभी हमने पहले से ये देखा कि वाटर कूलर की समस्या है हमारे यहाँ पे कम है, तो इसके लिए 10 वाटर कूलर और ऑर्डर किए हैं जो शीघ्र ही लग जाएंगे। तो एक वीक के अंदर मुझे लगता है आगे पानी की समस्या तो नहीं रहेगी, अभी भी बहुत कम है पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सर जो बंद पड़े हैं उनके लिए क्या? जो बंद पड़े हैं वो रेगुलर उनकी निगरानी चल रही है, कंपनी पहले से ही ऑथराइज है, वो उनकी साफ सही करने का काम कर रही है, बिजली विभाग वाले कर्मचारी हैं वो भी जो उनकी समस्या है उनको भी दूर कर रहे हैं।